और भाई लोग क्या हाल चाल, बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे ओथो कैरेक्टर की एबिलिटी की, क्योंकि अपडेट के बाद फिर उसकी एबिलिटी में चेंज कर दिया गया। तो क्या चेंजेस कराए वह सारी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना कोई देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले हर बार की तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है लाइक कर दे। तो आइए बढ़ते वीडियो की ओर। तो यहाँ पर बात करें ओथो कैरेक्टर की एबिलिटी का, तो ओथो कैरेक्टर की नॉर्मल एबिलिटी है कि आप जैसे किसी भी बंदे को जो है पूरा किल करते हो, ठीक है, नॉक नहीं पूरा किल करोगे, तो मैप के अंदर जो है जितने भी एनिमी होंगे 50 मीटर की रेंज में वो सभी की लोकेशन सेंड कर मतलब बता दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो। तो वो अपडेट के पहले क्या था कि 50 मीटर के अंदर बताता था, बट अपडेट के बाद अब क्या है कि वो 75 मीटर के अंदर जितने भी एनिमी होंगे सबकी लोकेशन आपको बता देगा, ठीक है, दिखा देगा। ऐसी इसकी एबिलिटी है। एंड दूसरा इसमें चेंजेस यह करा गया है कि पहले ना थोड़ी देर तक ही वो दिखाई दे रहा था, मतलब कि यहाँ पर आप मैप में देखे ना तो थोड़ी देर के लिए दिखाता था, बट अब क्या करा कि थोड़ी सी सेकंड इसके अंदर बढ़ा दी गई, मतलब थोड़ा सा देर तक वो रहेगा, ठीक है, डॉट्स जो है ना वो मैप के अंदर थोड़ा देर तक रहेंगे। यह जो है इतना सा चेंज करा है। एंड कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी कर दी गई है, क्योंकि जो हमें एनिमी की लोकेशन भी पता चलेगी और बहुत ज्यादा टाइम तक भी पता चलेगी और एरिया भी बढ़ा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।